जिंदगी बदल रही है, इस बात को बयां करती हैं घर की छोटी छोटी चीजें। घर में नया नया बचपन पहले पहले कदम बढ़ाना शुरू करता है, तो साथ साथ प्यारा सा बुढ़ापा भी अपने कदम बढ़ाने लगता है। लोग बोलते धीरे है और कहते हैं कि मैं ऊंचा सुनता हूं। याद आया, भूला। आपको पक्का यकीन है आप मेरी पत्नी हैं बहन जी? हाँ, अब आप यकीन कर लीजिए। क्यों करूं आमनू? हमारे महादेव पेट में भाकरवड़ी का स्वाद बदला, उसे बेचने का तरीका भी बदला, तो साथ ही साथ भाकरवड़ी बेचने वाले दो परिवारों का अंदाज भी बदला। कुछ हालात ने बदला तो कुछ हमारे किरदारों ने खुद बदला। एक बदलते हुए बिगड़े हुए सच को छुपाने के लिए बदला। और वो सच यानी गोखले परिवार और ठक्कर परिवार के बीच खड़ी दुश्मनी। अरे राय 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 और मिला भी अन्ना भाई। अरे वाह 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 वाह। बाय क्रिश। बाय। जिसे सब निभा तो रहे हैं लेकिन छुपके। लेकर जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता घमंडी लाल गोखले? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरे बच्चे कृष्णा की सेहत जरूर बिगड़ जाती। रात भर कमरे में रहने की जरूरत थी क्या? हाँ, क्योंकि कृष्णा सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पापा के बारे में पूछता है। हाँ, क्योंकि उसकी ये माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, इस बात का यकीन है मेरे बेटे को। मेरे बेटे को? मेरे बेटे को क्या गायत्री? तुम्हें नए वॉशिंग मशीन के साथ फ्री में नहीं मिला हमारा बच्चा? हमारा बेटा है वो, हमारे प्यार की। अभिषेक, प्यार बोलकर हमारे उस रिश्ते की इंसल्ट मत करो। तुमने प्यार का नाटक रचाकर सिर्फ धोखा दिया है। तुमने तो किया था ना प्यार गायत्री? काटिया ने, फाफड़ा ने, थेपला ने, चवाना ने, पता नहीं क्या क्या लोमड़ी मत कर। हे अन्ना भाई, खबरदार खबरदार, जो इसे लोमड़ी मती कह के बुलाया है तो भूला। उर्मिला नाम है मेरी साली का। बीवी का? बीवी का नाम भी उर्मिला? दोनों बहनों का नाम उर्मिला कैसे हो सकता है? काश काश इनकी तरह मैं भी भूल सकता कि आप लोग कितने भरे भी, कितने दोगले हो। ये कौन है? और आपका वो दामाद अभिषेक? वो आपका बेटा है अन्ना भाई, ये भूल गए आप? वो मैं भूल जाऊंगा, बस एक बार मेरी गायत्री भूल जाए कि एक जमाने में वो उसका पति हुआ करता था। हाँ कीजिए, मन रहो कीजिए। राक्षस, मेरी सफाई अब नहीं देना चाहता हूं मैं। और रही बात तुम्हारे साथ यहां सुबह तक रहने की, तो ये फैसला हम सब ने मिलकर लिया है, झूठ मूठ का प्यार और एकता दिखाने का, ताकि हमारे बेटे को तकलीफ ना हो।
बता दो। एक काम करता हूं, मैं अपने क्रिश को बता ही देता कि उसके मम्मी पापा अब अलग हो चुके हैं, ताकि अभिषेक ने सालों से इस झूठ को एक सच का रूप देते आए हैं कि बहुत बड़ा बन चुका है ये झूठ। सारा सोचो, जब कृष्णा को ये पता चलेगा कि उसके मम्मी पापा का प्यार, दादा नाना की दोस्ती नकली है, फरेब है, तो कितना गहरा असर होगा उसके छोटे से मन पर। तो क्या जिंदगी भर झूठ मूठ का नाटक ऐसे ही चलाते रहेंगे? थक जाते ये होठ झूठ मूठ का मुस्कुराते मुस्कुराते। अच्छा तो स्वार्थी भी हो तुम। खैर, अपनी तकलीफ छोड़ो और हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो इस बात के लिए जो करना पड़े वो चुपचाप करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह का सदमा लगे। गायत्री बाड़ा, ए गायत्री बाड़ा, गायत्री। हाँ ना। अरे गायत्री बाड़ा, वो कृष्णा की पाठशाला में फोन करके पता लगा उसकी छुट्टी हो गई क्या? अन्ना अभी तो सुबह के 11 बजे क्या? अभी तो सुबह के 11 बजे हैं। अमित और सुधा के 12 बजे हैं। क्या कुछ भी बोलती है? अमित और सुधा के मात्र 2 बच्चे हैं बाड़ा। आपने अपना इयररिंग एट कहाँ गिरा दिया? हिला दिया हलवा, हिला दिया। अभी थोड़ा बाकी हिला रहा हूँ मैं हलवा। हे भगवान, पकवान पकवान बना दिए। ये देख कितने सारे पकवान बनाए मैंने। इस साल कृष्णा का जन्मदिन धूमधाम से मनाने वाला हूँ मैं। हालांकि वो उर्मिला बहन गुजराती तेरी मम्मी, वो अपने घर में जन्मदिन मनाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करेगी ही करेगी। जैसे ही हमारा क्रिश स्कूल से वापस आएगा तो आपको याद है ना महेंद्र, आपको क्या बोलना है? हाँ मुझे याद है, मैं ये बोलूंगा कि क्रिश बेटा, तेरा जन्मदिन हम इस बार हमारे घर में मनाने वाले हैं और अन्ना भाई और गायत्री को भी ये बात मंजूर है। शाबाश। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलूं माँ जी? क्या करूं आपका? अब फिर से भूल गए ना दवाई लेना? भूल गए ना? फिर से सारी फोटो निकाल के दिखाओ गुजराती गजनी को। राष्ट्र देखो ये कौन है पहचानिए। ये तो कोमिला है। जिसे भूल जाना चाहिए वो बराबर याद रहता है आपको, हैं? ये नहीं, ये पहचानिए कौन है? ये तो मेरी जान है, इसे देखकर तो मुझे याद आता है कि मैं कौन हूँ। मैं इसका नाना हूँ। एक बार इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? शनिवार को ये 7 साल का हो जाएगा उर्मिली। नहीं 7 नहीं, 7 नहीं महेंद्र, 17। अच्छा तू चाहती है तो। नहीं 70 अरे क्या 70 70 साल का बच्चा कोई स्कूल जाता है क्या? डोबी डुचकी। बाय 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 बाय। अहो मैं शांत ही हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ। ये मुझसे चिल्लम चिल्ली करवाती है। क्या हुआ? अरे मैंने इसको पर्ची दी और बोला कि ये कृष्णा के जन्मदिन पर इन सारे मेहमानों को बुलाना है, तो इसने देखो क्या किया। ये सब दिखा रही है, ये भिंडी मूली ये कोतम्बीर अभी ये आलू टमाटर परवल ये सब कैसे क्या बताई देंगे मेरे कृष्णा को, बताओ तुम मुझे। लेकिन अन्ना आपने जो मेहमानों के नाम की पर्ची दी थी ना, उस पर्ची में यही सब लिखा था, देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। देख
पहले बता नहीं क्या सकते थे मुझे कि ये गलत पर्ची है करके? फिर मैं आपको गलत बोलती तो उसमें भी आप मुझे डांटते और बोलते मैं गलत करूंगा डचकी। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए है चोमड़ी। मैं बाल कृष्ण गोखले अप्रतिम कोकणस्त ब्राह्मण। मेरी नकल करती है सासू भाई। आहो आहो पैर दुख रहा है। नकल करती है। आहो आहो नकल करती है मेरी। ये क्या ये सफेद बाल दिखते हैं तुझे? गायत्री ने काला रंग नहीं क्या लगा के दिया है मुझे, है कि नहीं? बोलो हाँ हाँ। आहो मैं शांत ही हूँ जोत्सना, और अगर तुम चाहती हो कि मैं शांत ही रहूं तो तुम मेरी उज्ज्वला बिज्वला को बुला, सिर्फ वो ही मेरा काम अच्छे से करती है। किधर है किधर उज्ज्वला? उज्ज्वला ए उज्ज्वला। आहो ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं अभी इतना जोर से चिल्ला रही है ना, तीन चार उज्ज्वला नीचे गिर सकती है, इसलिए तुम भी अपना ये पल्लू ऐसे करो हाँ, अगर उज्ज्वला बिज्वला गिरेगी तो पकड़ लेना। उज्ज्वला उज्ज्वला। ये देखो अम्मी उज्ज्वला को बुलाने के लिए बोला है तो यही खड़ी खड़ी उज्ज्वला उज्ज्वला कर रही है डुचकी। अहो आ जाएगी वो, थोड़ा तो धीरज रखिए ना। हम ना बर्थडे की बात करते हैं। अपने जन्मदिन पे ना कुछ खास प्रोग्राम करने की फरमाइश की है कृष्ण ने। कृष्णा, कितनी बार कहा है तुम्हें उसका नाम कृष्णा है, जिसे जानबूझ के बिगाड़ के रखा है इन गुजराती लोगों ने। क्रिश, क्रिश कह के बुलाते हैं। ये क्या पिक्चर है, चलचित्र है? अभिषेक गायत्री का दूसरा बच्चा आएगा तो उसको क्या बुलाएंगे, क्रिश टू? तीसरे को क्रिश थ्री? क्रिश थ्री। तो क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने पोते को अपने मनपसंद नाम से बुला सके? अधिकार तो उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन अभिषेक ने। किस दिन से अन्ना? अभी तक गया नहीं है यहाँ से? मेरा कुछ सामान भूल गया था मैं यहाँ पे। हमारे संस्कार भूल गया था तू, और इसलिए तूने हमारी फूल जैसी गायत्री के साथ धोखा करके आई। आई ने कह दो मुझे इनके साथ बहस नहीं करनी। मुझसे बहस अच्छी लगती है? अपने बाप के बारे में कैसा बोलता है सुना तुमने दूसरा बहस? अन्ना जिस तरह आपके कानों पे पर्दा पड़ा है ना, ठीक उसी तरह गायत्री के दिमाग पे पर्दा पड़ा है। दिमाग पे पर्दा पड़ा है। दीवार पे मंदार खड़ा है? कौन सी दीवार पे मंदार खड़ा है? आहो वो लगाइए। मंदार कौन सी दीवार पे? गायत्री के दिमाग पे पर्दा पड़ा है। गायत्री के दिमाग पे पर्दा पड़ा है सब। रुक तो रुक, मेरी गायत्री के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो मेरा हाथ। देखो कृष्णा आ गया। मेरा हाथ आशीर्वाद के लिए कैसे नहीं उठेगा मेरे राम जैसे बेटे पे जोत्सना। अन्ना आपके आशीर्वाद आप क्रिश के लिए रखिए ताकि क्रिश भी मेरी तरह बन जाए, है ना? किसी की नजर ना लगे बाप बेटे की इस जोड़ी को। मसल बनाया। अरे स्कूल से भी कोई इतना जल्दी छूटता है बोला? मैंने तो आप लोगों को अप्रैल फूल बनाया जुलाई में। जुलाई फूल तो आप इसे घर से बाहर निकालो घर से बाहर। मेरे कृष्णा के नाम पे अगर कोई मुझे उल्लू बनाएगा ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भेज दो इसे किधर भी तो, और इसे मेरे से ज्यादा अच्छी भैंस लगती है तो इसको बोलो तबेले में जाके रहने को। हाँ भेज दीजिए, और कृष्णा आकर पूछेगा कहाँ चला गया मेरा बाप तो बोल दीजिए आपने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कह दीजिए उससे अलग हो गए उसके माँ बाप, अलग हो गए दोनों परिवार। Thank you.
शाबाश। अरे बाप रे, कितने सारे तोहफे बांधने हैं। अरे मंदार, ए मंदार, अरे भारती पुत्रा, क्या पता नहीं किधर किधर। अन्ना, आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, मैं तो अभिनेत्री प्रियंका को बुला रहा था। अभी आएगी वो पिंगा करते हुए। प्रियंका का असली नाम मंदार है, तुझे मालूम नहीं है क्या? दूस क्या क्या कर रहा था वो? मैं आम पापड़ बना रहा था। मैंने सोचा कि आम पापड़ बेच के चार पैसे कमा लूं तो घर खर्च में राहत हो जाएगी। वाह 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 वाह। अन्ना, आप चखिए ना। अप्रतिम है ना। अन्ना, अब आप माँ को बताना। वो क्या है ना, वो पड़ोस में कचरा पेटी है ना, उसमें आम के छिलके पड़े हुए थे, तो मैं निकाल निकाल कर इकट्ठे करने लगा। तो माँ मुझसे गुस्सा हो गई, बोली कि ऐसे छिलकों से आम पापड़ नहीं बनाते। तूने कचरे में से निकाले हुए छिलके के आम पापड़ बनाए? भेड़िया, माफ कर दो भैया, ऐसे चार पैसे कमाएगा तू? बिंडो, वही होगा बार बार वो क्रेडिट कार्ड वाला पेंडिया। हेलो, मैं आड़ना साहब गोखले। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा कारड नहीं बिरड। नहीं नहीं, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, कृष्णा का क्लास टीचर। अरे अरे अरे, क्षमा करना, हाँ क्षमा करना। निशिकांत है, निशिकांत है। ओ, मैं समझा वो पेंदिया बोल रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अन्ना साहब बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैंने अभी बोला ना कि मैं अन्ना साहब गोखले, तो अर्थ क्या हुआ? मैं अन्ना ही बोलूंगा ना जी। दरअसल बात यह है कि मैं आपको ये बताने जा रहा था, कृष्णा को बेस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड का अवार्ड मिला है और उसे स्पेशल असेंबली अवार्ड भी मिला है। हमारी कृष्णा को दो दो पारितोषिक मिले, डिसिप्लिन चाय वाला अवार्ड और दूसरा स्पेशल आसम वाली ऐसा कुछ। तो जय श्री कृष्ण अन्ना। राम राम, राम राम भी बोल सकते हैं। छक्कूला, तुझे पारितोषिक मिले दोनों, एक तो वो डिसिप्लिन चाय वाला, वो बरोबर, वो दूसरा कौन सा पारितोषिक मिला रे? वो अप्रतिम वाला मिला अन्ना। अप्रतिम बिल्कुल मुझ पे गया है, अप्रतिम बोलता है। आप सबको बताइए और मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सबसे बात करवाइए। अभी अभी बात करो, तो पूरे पूरे गोखले परिवार के साथ में बात करवाता हुआ तेरी ठक्कर फैमिली से भी। हाँ हाँ, अभी वो भी हमारा ही परिवार है। लेकिन अभी वो कैसे क्या करने का, वो वीडियो कॉन्फिडेंस? अन्ना बहुत इजी, आप कर लेंगे, है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ चोमड़िया, दुनिया में एकमात्र ऐसा है जो मुझसे हाँ बुलवाता है। आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे ऐड कीजिए, मैं सबको एक साथ ये खुशखबरी सुनाऊंगा, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। आप लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। अरे बाप रे, ये तो महेंद्र भाव की जैसा बोला। टिकट टिकट बोल। हेलो, क्यों क्यों अन्ना भाई, अभी आपने हमको क्यों फोन किया? आप तो हमें अपना वो समझते हैं ना, वो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, वो राजेश खन्ना की पिक्चर थी वो, अरे वो जो दूसरी बार भी बनी थी वो, आती मेरे साथी बावर्ची, अरे ना जोड़ू का गुलाम, अरे ना ना अवे अपनी वो दुश्मन दुश्मन उर्मिली दुश्मन। हाँ हाँ, दुश्मन दुश्मन, आप तो हमें अपना दुश्मन समझते है ना? क्यों मैं तो मात्र समझता हूँ उर्मिला बहन, लेकिन आपने तो दुश्मनी निभाई भी है। अभी सुनो, मेरा बेटा कृष्णा हम सबके साथ में वीडियो कॉन्फिडेंस करना चाहता है, तो आपको बात करनी है कि नहीं करनी? ठीक है ठीक है, आप हमें भी रखिए वीडियो कॉल पे।
कृष्णा बेटा, अभी देख, अभी सब लोग लाइन पे आ गए। सब लोग देख रहे हैं तुझे, अभी बात कर। लिसन एवरीबडी, मुझे स्कूल में मोस्ट हैप्पीएस्ट चाइल्ड का अवार्ड मिला है। अरे मामा, सबसे खुश बच्चा, और इसका क्रेडिट जाता है मेरी फैमिलीज को। मैं हैप्पी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं आप सबको हमेशा एक दूसरे के साथ हैप्पी देखता हूँ। ऐसे ही हैप्पी रहेंगे ना हमेशा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.